G20 की बैठक समाप्त होते ही देश में एक खबर ने खलबली मचा रखी है। दरअसल कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने एजेंसी ANI से बातचीत की और कहा कि देश में डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त GST लगाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 52% तक डीजल वाहनों की संख्या घटकर 18% रह गई है। अब जब ऑटोमोबाइल उद्योग बढ़ रहा है तो डीजल गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। गडकरी ने कहा कि आप अपने स्तर पर निर्णय लें ताकि डीजल वाहन कम हो सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं वित्त मंत्री को सिफारिश करूंगा कि डीजल बहुत अधिक प्रदूषण पैदा कर रहा है, इसलिए इस पर 10% अतिरिक्त कर लगाया जाना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने प्रस्तावित 10% अतिरिक्त GST पर कहा, प्रदूषण कर के रूप में डीजल वाहनों पर ये चार्ज लगाया जाना चाहिए। बदल दीजिए, जल्दी से डीजल को कम कराइए। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। FM को, फाइनेंस मिनिस्टर को ये बोलेंगे कि डीजल पे भी पेट्रोल, सॉरी, मैंने साफ बताया, जो बताया वही लिखो आप। ट्रक पे भी लिखेंगे? मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर अगर जल्दी आप अगर अल्टरनेटिव नहीं लाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो हम अपने तरफ से पेट्रोलियम में हमारे वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि डीजल को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाएं। हालांकि नितिन गडकरी ने फिर अपने बयान पर सफाई दी और अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त GST का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है। 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये ईंधन आयात के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए।